देश भर में कोरोना महामारी को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन के लोगों से घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर रहा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने और उनको घरों में रहने को लेकर एक नया तरीका खोज निकाला है। सब इंस्पेक्टर टेम्पो में स्पीकर लगवाकर गाना बजाकर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों में भी काफी रुचि है, वो इस गाने को सुनने के लिए अपने अपने घरों की छत पर आ जाते हैं। साथ ही सब इंस्पेक्टर द्वारा ये भी अपील लगातार की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहकर नमाज पढ़ें। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो गाना बज रहा है, ये देश की सुरक्षा के लिए बजा जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, इसलिए ये लागू किया गया है। पब्लिक को इसका पालन करना चाहिए। शारिक, जिस तरीके साउंड बज रहा है, इसको क्या कह रहे हो, उसको क्या है जी चीज? ये देश की सुरक्षा के लिए है और ये जो बीमारी है ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए सबों के लिए ये लागू किया गया है और पब्लिक इसका पालन करे। घर में बैठे इससे लड़ना, पब्लिक को ही लड़ना है पूरे देश में, और प्रशासन काम कर रहा है बहुत अच्छा। जिस तरीके से साउंड दोबारा लगा गली गली बजा रहा, लोगों को समझा रहा है, इसको क्या कह रहे हो? इसको जो बहुत अच्छा करने की बात है। नमाज घरों में पढ़ने को लेकर भी पुलिस द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर इलाके के प्रबुद्ध लोगों से भी पुलिस प्रशासन के लोग लगातार संवाद बनाए हुए हैं। ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है ये पब्लिक के फायदे के लिए है कि हम लोग 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री का ऑर्डर आया है कि बिल्कुल कम्प्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है, लिहाजा अब 5 वक्त की नमाज हम लोग अपने घरों में पढ़ रहे हैं। और सारे नमाज पढ़ने वालों से ये गुजारिश की जाती है कि जुमे की नमाज में चूंकि पब्लिक ज़्यादा आती है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि जुमे की नमाज न पढ़कर वो जहर की नमाज अपने घर में अदा करें, और जो सवाब की नियत वो रखते हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हमें मिलेगा। इसलिए मुझे सारे पब्लिक से ये दरख्वास्त है कि जुमे की नमाज की जगह जहर की नमाज अपने घर में ही अदा करें और मस्जिद में आने की बिल्कुल कोशिश न करें। जिस तरीके प्रशासन द्वारा ये पहल की जा रही है, वो किसी को किस नजर से देखते हैं? ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है कि कुछ इनोसेंट लोग होते हैं जिनको बार बार कहने पर बात समझ में नहीं आती, और वो जो कभी नमाज नहीं पढ़ते वो इस माहौल में भी दिखाने के लिए आ जाते हैं मस्जिद के अंदर कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं। उनसे ये दरख्वास्त की जाती है, आपका जो स्टेप है, आपका जो अनाउंसमेंट है, शासन की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ये सब की भलाई के लिए किया जा रहा, लिहाजा ये सारे लोग कान खोल के सुने कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ें और स्पेशली जुमे की नमाज की बजाय जोहर की नमाज भी घर में पढ़ें यहाँ, और सोशल डिस्टेंस रखें। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और हमारे जो पुलिस के भाई हैं ये भी बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लिहाजा इनकी बात को माना जाए और भीड़ भाड़ कहीं भी इकट्ठा न किया जैसे कि आज जुमा है, जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं हो रही है। जब जुमे की नमाज यहाँ कहीं मस्जिदों में नहीं हो रही है, बहुत पिछले जुमा को भी नमाज मस्जिद में नहीं हुई, हमारे इमाम साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जुमे की नमाज अपने घर पर न पढ़ें बल्कि जोहर की नमाज जुमे के बदले जोहर की नमाज घर पर पढ़ें, मस्जिद में आने की किसी को जरूरत नहीं। क्या नाम है आप? डॉक्टर फैजान अहमद खान, AMU अलीगढ़। वही सब इंस्पेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। इसमें कोरोना वायरस की रोकथाम में तो प्रयास किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग जागरूक हैं और घरों से बाहर न निकले। हमारी सरकार द्वारा और अधिकारीगण द्वारा निर्देश दिए गए, लोगों को घरों में जा करके आह्वान करें, इनसे विनती करें कि लोग अपने घरों से ना निकले, अधिक से अधिक लोग अपने घरों में रहें। जिस किसी को काम है वो एक फैमिली एक ही सदस्य जरूरी काम के लिए बाहर निकले, अन्यथा घरों में मौजूद। मैंने ये सोचा कि टीवी में जो है अपना इतना साधन तो पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है, टीवी में माइक लगा करके और घरों के आस पास जाकर के रोड पर जाकर के मैं ये आह्वान कर रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग अपने घरों में रहें। जिस तरीके से आप ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को, ऑटो द्वारा प्रचार कर रहे हैं इस तरीके से, क्या लोगों को ये समझ में आ रहा है? लोग इससे समझ रहे हैं कुछ? हाँ, लोगों की समझ में आ रहा है, काफ़ी लोग इससे समझ रहे हैं और अपने घरों में बैठे काफ़ी लोग। कितने समय से चला रहे हैं आप इसे? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए चलाते हुए। कहाँ से कहाँ तक रूट रहता है आप? ये मेरी पूरी चौकी धोरा क्षेत्र में चलाता हूँ, जीवनगढ़ में, धोरा माफी में, स्वार्थी बाईपास रोड पर, निचार्ज बाग, सभी जगह चला। हालांकि सब इंस्पेक्टर द्वारा ये तरीका लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में कारगर साबित हो रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग अभी भी लॉकडाउन तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों से पंजाब केसरी
खास अपील की है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरकार के नियमों का पालन करें और देश के ऊपर आए संकट को टालने में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव वाशिने की रिपोर्ट।